वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू मसूरी अगेन। और ये वही होटल है जहाँ मैंने पहले स्टे किया था, होटल अमारा क्वीन में। और यहाँ की हॉस्पिटलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इससे मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ माल रोड में जाऊँगा, जाकर ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर उसके बाद आपको बीच बीच में चीज़ों को दिखाना स्टार्ट करूँगा। फिलहाल तो यहाँ का मौसम देखिए कैसा मौसम हो रहा है। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और मौसम काफ़ी क्लाउडी है, धूप ज़रा भी नहीं निकली है। तो अब मैं यहाँ से निकल चुका हूँ माल रोड की तरफ। देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, कोविड को लेके थोड़ा प्रिकॉशन है यहाँ पे, लोग यहाँ कम ही आ रहे हैं। देखिए मौसम काफ़ी अच्छा है, रियली एंजॉयिंग। माल रोड से लगभग 500 मीटर दूर हैं, आधा हम लोग चल चुके हैं, थोड़ी दूरी और फिर हम लोग रहेंगे यहाँ से माल रोड के अंदर में। वहाँ पर जा कर के ब्रेकफास्ट करना है, फिर आगे निकलना है। कैसे है भाई साहब, बढ़िया? चलिए इनको भी सर्विस दीजिए, मौका दीजिए, लोकल सवारी कीजिए, बाई रिक्शा। देखिए बहुत सारे रिक्शा स्टैंड हैं जो कि ऐसे ही खाली पड़े हैं, कोई भी इन्हें पूछता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हमें पैदल के साथ साथ रिक्शे वालों को भी मौका देना चाहिए अपनी सर्विस देने का, क्योंकि टैक्सी के अलावा बाइक ये सारी चीज़ें हम लोग हायर कर लेते हैं, बट रिक्शा कभी हायर नहीं करते हैं, खास के ये सब इलाके में। और ये बेचारे ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं, देखिए सारा रिक्शा यहाँ खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है यहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए, ना ही उनकी सर्विस लेने के लिए। अगर मौसम की बात की जाए तो अभी ऐसा मौसम नहीं है कि आपको जैकेट या शॉल यूज़ करना पड़े, जुलाई का महीना है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 20 डिग्री के आसपास है यहाँ पर टेम्परेचर। तो आप आराम से टी शर्ट वगैरह में जा सकते हो, जैकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी कम्फर्टेबल, यानी औसम मौसम है, ना ही बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आप आराम से टी शर्ट में कम्फर्टेबल होकर के निकल सकते हो। मैं भी फिलहाल टी शर्ट पहन रखा है मैंने भी, और आराम से व्लॉग कर रहा हूँ। ये सामने माल रोड से अगर आओगे लगभग 300 मीटर, तो यहाँ आने के बाद एक कट यहाँ पर आएगा बिल्कुल इस तरफ, यहाँ एक आपका मार्केट है जिसे तिब्बतन मार्केट कहते हैं। ये देखिए ये मार्केट पूरा नीचे की तरफ तक है, अभी शॉप्स खुल रही हैं क्योंकि मैं काफ़ी सवेरे आ गया हूँ, तो इसलिए सारी शॉप खुली दिख नहीं रही है। ये है तिब्बत मार्केट, यहाँ आपको वुलन क्लॉथ्स और अलग अलग वैराइटीज़ के लेडीज एंड जेंट्स वेयर सारे आपको मिल जाएंगे। भाई साहब कितने लगाते हैं शॉप आप? 10:30 बजे तक। जेंट्स में क्या क्या है? टी शर्ट ऑल ओवर। प्राइस क्या पड़ते हैं आपके टी शर्ट के? एक 350 पड़ते हैं, और लोअर के? चलिए बहुत बढ़िया। सुबह का वक्त है, शॉप्स लगनी स्टार्ट हो गई हैं, देखिए 11-12 बजे तक सारी दुकानें लग जाती हैं यहाँ पर। अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो यहाँ पर आप 11 बजे के आसपास आ सकते हो, सारी चीज़ें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई साहब ये प्राइस क्या है इसका? इसका 50। क्या कहते हैं इसे बना कर के? स्वीट कॉर्न कहते हैं। 50 रुपये में यहाँ स्वीट कॉर्न बना के दे देते हैं। बहुत बढ़िया। कब से लगा रहे हैं आपको? 35 साल से लगा रहे हैं। तो लॉकडाउन के टाइम कैसा रहा था? बंदा। तो ये भाई साहब हैं, इनकी शॉप है यहाँ पे। अगर आप स्ट्रीट कॉर्न का मज़ा लेना चाहते हो तो लोकल स्ट्रीट फूड को भी आप लोग यहाँ ट्राई कर सकते हो, आगे शॉप तो है ही हैं, प्लस ये लोग बैठते हैं बेचारे, दिन भर काम करते हैं तो थोड़ा इनकी भी मदद करनी बनती है। तो आप लोग आएँ, कम से कम लोकल स्ट्रीट फूड का मज़ा लें, बहुत ही बेहतरीन सुबह के नाश्ता के लिए एकदम बेस्ट है। अगर लाइट अगर ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो चना दाल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिल्कुल हाइजेनिक है, फ्राइड एकदम नहीं है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। लगा रहे हो चने दाल भाई? 10 साल से लगा रहे हो चने दाल के? ओके, तुम खुद ही लगाते हो या फिर पेरेंट्स या तुम्हारे लगा? अकेले लगाते हो? तुम्हारी उम्र कितनी होगी यार फिर? 18 साल की हो, 10 साल से बेच रहे हो, चाइल्ड लेबर। तो भाई यार, भाई साहब आप लोग इन्हें भी सपोर्ट कीजिए, स्ट्रीट फूड वाले को, और इनकी क्वालिटी में आपको दिखाता हूँ कैसा टेस्ट है। मौसम बहुत ही चटपटा है, और इसके दाल जो हैं वो काफ़ी मज़ेदार हैं, लेमन को मिलाने के बाद इसका टेस्ट और भी अच्छा हो गया है। मस्त। सुबह सुबह का पहला ब्रेकफास्ट मेरा है ये। तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और इनके खाने को टेस्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है, लाजवाब होता है, यहाँ काफ़ी आपको हाइजीनिक मिलेगा स्ट्रीट फूड। तो आप आँख मूंद करके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, और इन्हें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। काफ़ी अच्छे लगे,
और आगे भी शाम को मिलूंगा आपसे, कि बेटा मिलता हूँ फिर आपसे दोबारा। इसे कहाँ फेंकना है? सामने डस्टबिन में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ आए मसूरी या किसी भी हिल स्टेशन पे, तो एटलीस्ट ये आप ख्याल रखें कि डस्टबिन में ही चीज़ों को डालें। यहाँ बीच में मुझे काफ़ी एक अच्छा सा लोकेशन दिखा है, ये देखिए पीछे वाल है, काफ़ी खूबसूरत सा है। यहाँ एक अच्छी सी फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। तो ये भी आपके माल रोड से काफ़ी पास है, समझ लीजिए कि आप 200 मीटर करीब हैं माल रोड के। फैमिली फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट, वाइड एंगल, सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हो। चलिए अब चलते फिर आगे। देखा लोकेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे मज़ा आ रहा है घूमने में भी, लेकिन कोहरा अभी तक है, धूप नहीं निकली है, धूप का इंतज़ार है कि धूप में कैसा लगता है ये भी देखना है। मौसम काफ़ी फ्लक्चुएट होता है यहाँ पर, कभी बारिश, कभी धूप, कभी कोहरा, सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। फिलहाल तो अभी कोहरा है, सुबह के अभी बज चुके हैं 10:30, अभी तक धूप नहीं निकली है। माल रोड के पास ही एक आपका यहाँ पे बैल्कनी है, यहाँ पे खड़े होकर आप अच्छा खासा एक नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छी खासी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी कोहरा है इसलिए आपको नीचे कुछ दिख नहीं रहा होगा। ये होटल्स हैं, कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये जो होटल्स हैं नीचे भोजनालय, तो यहाँ हम लोग आकर के ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं। आगे है सत्यम भोजनालय, वहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैं अक्सर आकर के ब्रेकफास्ट करता हूँ और लंच करता हूँ। लास्ट टाइम भी आया था तो आगे सत्यम भोजनालय में मैंने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था और इवन लंच भी किया था। तो अभी भी आपको वहाँ ले चलेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए सत्यम भोजनालय में, और दिखाएंगे क्वालिटी वहाँ की कैसी है। ये देखिए नीचे सारे होटल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये यहाँ का नज़ारा है, टूरिस्ट हैं अच्छे खासे, शॉप खुल के स्टार्ट हो गई है। आगे बहुत सारी शॉप्स हैं, कपड़े की शॉप है, लेडीज़ जेंट्स अलग अलग तरह के आप ड्रेसेस ले सकते हैं, शूज़ की भी शॉप है और कश्मीरी शॉल्स भी यहाँ मिल जाएंगे, स्ट्रीट फूड भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, बस गाड़ी भी बाइक भी सारे आप रेंट पे ले सकते हो यहाँ पर माल रोड में घूमने के लिए। माल रोड से थोड़ा अंदर आने के बाद आपको रोप वे दिखाई देगा, ये एक तरह का ट्रॉली है जिससे वो आपको ऊपर से ट्रैवल कराएगा और आगे तक घुमाएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक ऊपर का नज़ारा दिखेगा, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे यहाँ रोप वे में इंटर करते हैं और कैसे ट्रॉली का मज़ा लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ टिकट काउंटर पे। क्या प्राइस है टिकट का भाई? 125। कितना? 125 पर हेड है। तो ये ट्रॉली जो है आपको गन हिल पॉइंट ले जाएगी और ये ट्रॉली ऊपर से ले जाती है और उस रोप के थ्रू, ये देखिए ट्रॉली ऊपर को जा रही है और ये ट्रॉली ऊपर को चली गई है। तो भाई साहब इसमें सेटिंग कैपेसिटी कितनी होती है एक ट्रॉली में? एक ट्रॉली में कितनी सेटिंग कैपेसिटी होती है, कितने लोग आ जाते हैं? 12 लोग। 12 लोग आ जाते हैं? अच्छा अच्छा, वैसे तो 14 है लेकिन 12 लोग कंफर्टेबल होकर आराम से पहुंच जाते हैं। तो टाइम कितना लगता है पहुँचने में? 3 मिनट 40 सेकेंड। 3 मिनट 40 सेकेंड में पहुँच जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और वहाँ रुकना कितना देर होता है? 2 मिनट की लोडिंग होती है, उसके बाद रिटर्न वही सेम। अच्छा, 3 मिनट 40 सेकंड। अच्छा, अगर कोई बंदा चाहे वहाँ रुकने के लिए 1-2 घंटे तो रुक सकता है? हाँ, शाम को 8 बजे क्लोजिंग है, तब तक आप रुक सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसी ट्रॉली से वापस आना होता है ना? हाँ, इसी से आना होता है, इसी ट्रॉली से वापस आ जाना होता है, इसी प्राइस में? इसी प्राइस। अच्छा अच्छा, चलिए बोथ साइड बनता है। ओके,
ये कंपनी गार्डन यहाँ पहले भी आ चुका हूँ मैं, और देखता हूँ अभी यहाँ पे क्या लोकेशन है, कैसा मंजर है। शॉप तो खुली है यहाँ पे आसपास, देख सकते हैं। ये कंपनी गार्डन का लोकेशन है, ये है वो कंपनी गार्डन का इलाका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मुझे एक हाउंटेड हाउस दिख रहा है, और उसके बगल में आपको रेस्टोरेंट है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आगे एक झरना है, तो उस झरने पे आपको अभी ले चलेंगे और देखते हैं वहाँ कैसा लग रहा है वो झरना। थोड़ा सा आगे चलने पे है, यहाँ से इसकी एंट्री है, यहाँ से एंट्री करके फिर मैं आगे झरने की तरफ ले चलता हूँ आपको। वो झरना आपके एकदम बिल्कुल सामने है। जैसे जैसे हम लोग झरने के पास जा रहे हैं वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी ठंडक होती जा रही है, और टेम्परेचर यहाँ का थोड़ा सा डाउन है क्योंकि चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ फूल है जैसे आप देख रहे हैं हर तरफ। ये आपका मेन कंपनी गार्डन का जो फूल का इलाका, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे वैराइटीज़ के फूल हैं, तो वो आपका वो पीछे लोकेशन है, यहाँ आपको ले चलूँगा। तो पहले मैं आपको झरने के पास ले चलता हूँ, आपको आवाज़ आ रही होगी झरने की पीछे। ये वो एरिया है, वो झरना है पीछे, थोड़ा और पास में ले चलता हूँ, देखते हैं सामने जाके फील कैसा होता है। ये लो अब मैं आ गया बिल्कुल झरने के करीब। जैसे जैसे से करीब में आ रहा हूँ वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ झरने के पास, देखिए कितना खूबसूरत सा मंजर है। छोटा ही सा वाटरफॉल है लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ आपको कैंपटी फॉल जैसा नज़ारा दिख जाएगा। आइए आगे देखते हैं, फोटोग्राफी के लिए भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है नो डाउट। और ये है वो कंपनी गार्डन का छोटा सा एक एरिया जहाँ होती है बोटिंग। ये देखिए बहुत बड़ा लोकेशन नहीं है लेकिन यहाँ पे एक बोटिंग हो सकती है बच्चों के साथ, देख लीजिए। ये यहाँ से लेके बस वहाँ तक ही है बोटिंग एरिया। तो चलिए आगे चलते हैं कंपनी गार्डन से निकल करके, फिर दूसरी लोकेशन पे। अब जाना है यहाँ से मसूरी झील की तरफ, और वहाँ देखते हैं कि मसूरी झील कैसा है। वहाँ मैं गया नहीं एक्चुअली, इस बार मैं फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ मसूरी झील में, और वहाँ का दिखाता हूँ लोकेशन कैसा है क्या है। तो लेट्स मूव टू मसूरी झील। तो अब हम लोग आ चुके हैं मसूरी लेक की तरफ। ये यहाँ पे आने से पहले आपको 12 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा काउंटर से, फिर ये आपका रास्ता है जो कि आपको अंदर तक ले जाता है मसूरी लेक के लिए। पीछे आपका रेस्टोरेंट है कुछ खाने पीने के लिए, अगर आपको आना है तो यू कैन कम ओवर देयर। ये बीच में पड़ता है, ओवरऑल मसूरी से अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर नीचे आपको आना पड़ेगा, और 5 किलोमीटर नीचे देहरादून के रास्ते में, और ये रास्ता सीधे आपको देहरादून की तरफ निकलेगा। तो ऊपर से नीचे आपको आना पड़ेगा मसूरी लेक के लिए। बेटर ये रहता है कि अगर आप मसूरी आए हैं तो लौटते वक्त यहाँ से आप होते हुए देहरादून निकल जाएं। तो ये आपके सामने है मसूरी झील, ये छोटा सा एरिया है जहाँ अंदर कुछ शॉप हैं और बैठने का एरिया है। आगे से एक अच्छा आप नज़ारा ले सकते हैं, और चलते हैं नीचे दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये है बोटिंग का एरिया, यहाँ से हम लोग बोटिंग करते हैं। बोटिंग के लिए पहले ये पता करता हूँ कि भाई चार्जेस क्या हैं इनके। बोटिंग का भैया चार्ज क्या है? 30 रुपीज़ पर हेड। कितने देर के लिए अंदर अलाउ होगा? 15 मिनट्स के लिए। अच्छा, और पैराग्लाइडिंग चल रही है यहाँ पे? बंद हो रखा है। तो अंदर सिर्फ एक ही एक्टिविटी होगी? हाउंटेड हाउस है। हाउंटेड हाउस है और ये बोटिंग का, दो ही चीज़ यहाँ मिल पाएगी अभी। अच्छा अच्छा, तो पैराग्लाइडिंग कहाँ पे होती थी? वो सर यहाँ से जाएंगे सामने बलून है ना। हाँ हाँ, रास्ता लगा वो लिखवा देगी। अच्छा अच्छा, पैराग्लाइडिंग अभी लेकिन बंद है ना, नहीं हो पा रही और एक्टिविटीज हो जाएंगी। साइकिलिंग नहीं होती, साइकिलिंग वगैरह ऊपर चल। अच्छा अच्छा, वो चलेगी। ओके ओके, तो यहाँ पैराग्लाइडिंग के अलावा और भी चीज़ें हो सकती है ना। चलिए आगे। ये कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है, स्काई साइकिलिंग है, बंजी स्विंग है, रोप कोर्सेज हैं,
ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अभी मैं बात करता हूँ कि अभी क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही है। रोप कोर्स, ठीक है, साइकिल, बंजी सिंह, ठीक है। तो चार्जेस क्या होते हैं इसके? इसके 300 रुपीज़ पर पर्सन। कितने देर तक करते हैं ये? 6 लैप होते हैं इसके। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर ये साइकिल है। साइकिल क्या चार्जेस है? 2 बंदे डबल जाएंगे 500, ठीक है। सिंगल 300, दो बंदे एक साथ जाने का 300 रुपये चार्जेस है। 500 चार्जेस है सिंगल का, 300 रुपये। और बंजी वाला, जंपिंग बंजी वाला 800 रुपये 2%। 800 रुपये 2%, 2%। ओके ओके, सारे एक्टिविटी अभी ओपन है, लेकिन पैराग्लाइडिंग अभी नहीं है। पैराग्लाइडिंग, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे अभी आपने देखा कि अभी 3 एक्टिविटीज़ हो रही है। पैराग्लाइडिंग अभी बंद है, फिलहाल कब शुरू होता है ये पता नहीं। तो अभी ये सारी एक्टिविटीज़ है, अगर आप यहाँ आओ तो ये सारी एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हो।